हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बीजेपी के राजनीतिक करियर का झारखंड में वो अंतिम कील है। ये जो है ये बड़ा नुकसान होने वाला बीजेपी को चुनाव में, और इस वजह से वो कुछ बयान देने के लिए बच रहे हैं। बाबूलाल मरांडी बयान दे रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बयान दे रहे हैं, लेकिन और जो बाकी लीडर्स हैं, आप जो लीडर्स काम करते हैं जमीन पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, वो लीडर्स एकदम इस बात का अंदाज़ा लगा चुके हैं कि बहुत नुकसान होने वाला है। मरांग गोमके के नाखून के बराबर भी सुधीर चौधरी की औकात नहीं है। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा संविधान के रचयिता रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, वो जंगल में रहा करते थे। दूसरी बात, कोई ब्राह्मण अधिकारी या ब्राह्मण मुख्यमंत्री या ब्राह्मण मंत्री या ब्राह्मण नेता जैसे कैलाशपति मिश्र जेल गए थे, तो क्या सुधीर चौधरी इस बात को बोलेंगे कि जैसे उनके पूर्वज मंदिरों में घंटी बजाते थे, तो ब्राह्मण मंत्री जेल जाता है, ब्राह्मण अधिकारी जेल जाता है, तो ये बात सुधीर चौधरी अपने रिपोर्ट में बोलेंगे कि जैसे इनके पूर्वज ब्राह्मणों के पूर्वज मंदिरों में घंटी बजाया करते थे, भीख मांगा करते थे, वैसे ही ये भीख मांगेंगे? तो यार अभी हम रांची में हैं और हमारे साथ हैं आदि लोकतंत्र के पत्रकार आकाश जी हैं हमारे साथ। आज इनसे हम जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री को जो ईडी ने जो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर, इस पर किस तरह से आपने देखा, और ईडी के द्वारा जो पेश किया गया है, दावा किया जा रहा है कि उन्हें 8.5 एकड़ जमीन अपने नाम करवा लिया या फिर उनमें नाम है उनका, किस तरह से आप देखते हैं ईडी के कार्रवाई को? देखिए, ईडी जो कर रही है वो अपने तरीके से कर रही है, उसको लगता है, लेकिन ईडी इस केस को कितना स्टैंड करा पाएगी, मनी लॉन्ड्रिंग मनी ट्रायल का मसला है वो कितना स्टैंड हो पाएगा, ये तो समय पर बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो है कि जो अपर क्लास लॉबी है, जो जनरल वर्ग है, स्वर्ण वर्ग है, वो इस बात को स्थापित करने में हर कसर कोशिश लगा हुआ है कि जो ST SC OBC जो लोग हैं वो करप्ट होते हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन की बात हो, चाहे आप चले जाइए बिहार में लालू यादव उसके परिवार की बात हो, एकदम हर कसर इस बात की कोशिश की जा रही है अपर क्लास के जो लोग हैं वो साबित करने में। और इससे इस बार जो हुआ, इससे पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बीजेपी के, हमेरा जो पॉलिटिकल समझ है उसके हिसाब से बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बीजेपी के राजनीतिक करियर का झारखंड में वो अंतिम कील है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल नहीं, जो इस राज्य के मूलवासी हैं वो भी इस बात से खपा हैं कि ये ज़्यादा हो गया। आप उसको बुलाते, आप उसको मिलते, आप उससे मनी ट्रायल कर, मुख्यमंत्री भाग तो नहीं रहा था कि आप उसको गिरफ्तार किए, आप मामला कोर्ट में ले जाते, आप चलता उस पर ट्रायल। हम और कोई आम आदमी तो लगता है कि भाग सकता है, लेकिन एक सीएम तो भाग नहीं सकता है ना, आप उस पर केस करते, अभी तक जांच चलता उसके बाद। लेकिन बीजेपी ने जो किया वो शायद उसके लिए, क्योंकि आप देखिए कि बीजेपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले जितना आक्रामक थी सोशल मीडिया में, मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी के बाद उतना आक्रामक नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उन्होंने गलती की है। और कल्पना सोरेन जिस दिन फील्ड पर आएगी पॉलिटिकली, तो बीजेपी के लिए वो बहुत दिक्कत हो जाएगा स्टेट के अंदर, लोकसभा में भी होगा और विधानसभा में भी होगा। और बीजेपी के जो स्टेट लेवल के लीडर्स हैं जो झारखंड के अंदर हैं, उनको इस बात का आकलन है कि ये जो है ये बड़ा नुकसान होने वाला बीजेपी को चुनाव में, और इस वजह से वो कुछ बयान देने के लिए बच रहे हैं। बाबूलाल मरांडी बयान दे रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बयान दे रहे हैं, लेकिन और जो बाकी लीडर्स हैं, आप जो लीडर्स काम करते हैं जमीन पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, वो लीडर्स एकदम इस बात का अंदाज़ा लगा चुके हैं कि बहुत नुकसान होने वाला है। क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं हेमंत सोरेन के पूरे इस पॉलिटिकल लड़ाई को, जब बीजेपी ने उनको दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जो चीज़ें हुई, तो वो जो सब कुछ हुआ उसने, वो पूरे घटनाक्रम ने हेमंत सोरेन को एक बड़ा लीडर स्थापित कर दिया कि केंद्र में जाकर, दिल्ली जाकर हेमंत सोरेन वापस आ जाते हैं और ईडी उनको गिरफ्तार नहीं कर पाती है, और फिर गिरफ्तारी आवास में होती है, आवास में बुलाया जाता है और आवास बुलाने के बाद गिरफ्तारी होती है। तो हेमंत सोरेन
बड़े लीडर के तौर पर निकल कर आएंगे जिस दिन वो जेल से निकलेंगे। जेल से निकलना ही है, कोई बहुत बीडी कितना प्रूफ कर पाएगी तो हम लोग जानते हैं, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, 4 महीना लगे, 5 महीना लगे, लेकिन अब जब वो जेल से निकलेंगे तो वो नेशनल लेवल के बड़े लीडर निकल बनकर आएंगे। उन पर कार्रवाई हुआ तो वो अभी बड़े लीडर बन गए, मतलब अब अभी तो ट्रायल नहीं शुरू हुआ, अभी तो शक के आधार पर कि हाँ मेरे पास सबूत है ले जाया जा रहा है, अभी तो कोर्ट है, झारखंड को हाई कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, अभी लंबा चलेगा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन एक बात तो जो झारखंडी इस बात को करे, गुरुजी का बेटा है, जेल तो जाना ही था आज नहीं तो कल, और बीजेपी ने जो माहौल बनाने की कोशिश की कि इस राज्य के अंदर जो भी आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा वो करप्ट होगा और गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो ये इसकी प्लानिंग थी और बीजेपी इसमें सफल नहीं हो पाएगी। मेरा जो पॉलिटिकल समझ है, किसी का विरोध हो सकता है इसमें, किसी का समर्थन हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि बीजेपी को बड़ा नुकसान लोकसभा विधानसभा दोनों में होने वाला है इस घटना का। तो इसके साथ ही इसी के बीच में ही बड़े पत्रकार जो हैं आज तक के, सुधीर चौधरी जो कि हैं न्यूज़ एंकर हैं, चित्रा त्रिपाठी रांची आई हुई थी, आपने देखा भी होगा कि किस तरह से उन्होंने आदिवासी कहते हुए 30-40 साल पहले जिस तरह आदिवासी जंगल में रहते हैं उसी तरह से हेमंत सोरेन भी रहेगा, इस तरह का कुछ वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, तो एक पत्रकार के लिए एक जातीय आधार का कुछ इस तरह का शब्द निकालना कितने, देखिए अच्छा, पत्रकार बड़ा छोटा नहीं होता है। आप भी फील्ड में माइक लेकर काम कर रहे हैं, वो स्टूडियो में माइक लेकर काम करते हैं, वो तो बड़ा छोटा नहीं होता। ये सब छोड़ दीजिए कि बड़ा पत्रकार छोटा, वो हम जो कर रहे हैं हमसे कम काम वो करते हैं, वो तो पूरा मिलता है, खाली कैमरे पे आते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर लगाया जाता है, अपनी बात रख देते हैं, वही होता। सुधीर चौधरी पर पिछले 9 सालों से जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से ये देखा गया है कि वो मतलब जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो मुस्लिम वर्ग है, उसके खिलाफ तो प्रखर होकर बोलते ही, उनके खबरों में दिखता भी है, और उनके अंदर जो मनवादी मानसिकता है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ती है, ब्राह्मणवादी मनवादी मानसिकता है, दलित पिछड़ा आदिवासियों के खिलाफ की जो मानसिकता है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई जाती दिखती है। उस रिपोर्ट में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को लग्जरियस लाइफ जीने की, हेमंत सोरेन को लग्जरियस लाइफ जीने की आदत है, और अब वो जेल जाएंगे तो 40 साल पहले जैसे उनके पूर्वज आदिवासियों के पूर्वज जंगल में रहा करते थे वैसे ही रहेंगे, तो ये कितनी ओछी मानसिकता है, कितनी घटिया मानसिकता है कि आप बताइए कि 40 साल पहले मरांग घूम के थे इस देश के अंदर, जयपाल सिंह मुंडा वो जंगल में रहा करते थे क्या? मरांग घूम के नाखून के बराबर भी सुधीर चौधरी की औकात नहीं है। मरांग घूम के जयपाल सिंह मुंडा संविधान के रचयिता रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, वो जंगल में रहा करते थे क्या? और जंगल में रहना क्या नुकसानदेह है? जो बाबा योगी वो लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? दूसरी बात, कोई ब्राह्मण अधिकारी या ब्राह्मण मुख्यमंत्री या ब्राह्मण मंत्री या ब्राह्मण नेता जैसे कैलाशपति मिश्र जेल गए थे तो क्या सुधीर चौधरी इस बात को बोलेंगे कि जैसे उनके पूर्वज मंदिरों में घंटी बजाते थे, कोई ब्राह्मण मंत्री जेल जाता है, ब्राह्मण अधिकारी जेल जाता है, तो ये बात सुधीर चौधरी अपनी रिपोर्ट में बोलेंगे कि जैसे इनके पूर्वज ब्राह्मणों के पूर्वज मंदिरों में घंटी बजाया करते थे, भीख मांगा करते थे, वैसे ही ये भीख मांगेंगे? हम ये कह नहीं रहे, लेकिन हम बता रहे हैं कि आपकी मानसिकता कितनी ओछी है कि आप आदिवासियों के पूर्वजों के इतिहास को किस तरीके से दर्शाते हैं। आदिवासियों के पूर्वजों के इतिहास में बिरसा मुंडा है, सिद्धू कानू है, चांद भैरव है, और कई ऐसे महापुरुष हैं, उनका जिक्र आप नहीं कर सकते। जयपाल सिंह मुंडा भी लग्जरियस लाइफ जिया करते थे, आप उनका देखिए कोर्ट देखिए, विदेश जाते थे खेलने के लिए। रामदयाल मुंडा लग्जरियस लाइफ जीते थे, फ्लाइट में नगाड़ा लेकर जाते थे, और एक मुख्यमंत्री है उसका तो वही प्रोटोकॉल है। अब मुख्यमंत्री टेम्पो में तो रैपिडो बुक करके तो नहीं जाएगा, उसको वो प्रोटोकॉल है, लेकिन एक मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने, जेएमएम नेता पर टिप्पणी करने, एक हेमंत सोरेन पर टिप्पणी करने के मतलब उसके उस पर टिप्पणी करने के सहारे पूरे आदिवासी समाज पर टिप्पणी करना, ये तो नुकसान देगा सुधीर चौधरी को। और वो बड़े छोटे पत्रकार नहीं, हम भी पत्रकार हैं, आप भी पत्रकार हैं, वो भी पत्रकार है, तो अब केस हुआ है और उस केस का जवाब उनको देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, वो बहुत पहुँचे हुए हैं केंद्र में, उनकी सरकार है, उनके लोग केंद्र में हैं, तो शायद
थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोर्ट तक तो आना ही पड़ेगा।